लिए आपको सीधा राजस्थान विधानसभा लिए चलते हैं। महत्वाकांक्षाओं पर हुआ इतिहास साक्षी है। पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, भारत बना, भारत आजाद हुआ, भारत लोकतंत्र बना, लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामिक देश के नाते ये उनके संविधान में साफ तौर पर लिखी है मित्रों। उसके बाद 71 में बांग्लादेश बना, लेकिन बीच के कालखंड में 1950 में नेहरू और लियाकत का समझौता हुआ मित्रों। उस समझौते में साफ लिखा हुआ था कि अल्पसंख्यक बिरादरी के सम्मान के हितों की रक्षा होगी, लेकिन भारत इन शर्तों पर खरा उतरा, पाकिस्तान खरा नहीं उतरा। मेरे पास उन भाषणों से, उनके ट्विटर से, उनके लेख से संबंध है, कुछ इतिहास के तथ्य हैं। आप सब लोग, हम सदन के तमाम लोग स्वामी विवेकानंद जी को अनुसरण करते हैं। विवेकानंद जी किसी दल के नहीं थे, किसी पंथ और मजहब के नहीं थे, लेकिन 1893 में शिकागो के उनके भाषण की गूंज पूरी दुनिया में आज भी सुनाई देती है। उन्होंने कहा, मेरा सौभाग्य है मैं दुनिया की ऐसी धरती पर पैदा हुआ जो सब धर्मों का सम्मान करता है, उनको शरण देता है। यहां से शुरुआत होती है किसी भी देश को उनको शरण देने की। आप और हम सब लोग महात्मा गांधी जी से वाकिफ हैं, उनके अनुयायी हैं, उनकी चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं, और समय समय पर महात्मा जी ने जो बातें कही उनका अनुसरण हम लोग करते हैं। उनकी 150वीं जयंती हम लोगों ने मनाई, उनकी 150वीं जयंती पर बहुत सारे संकल्प लिए।